नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके TGT, PGT और व्याख्याता पद के तो इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन TGT, PGT के अभी इंटरव्यू होने बाकी हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि TGT, PGT, व्याख्याता आदि पदों के लिए अगर हमें हिंदी से साक्षात्कार की तैयारी करनी है तो बस वो कैसे करें। वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस किस तरह के सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको हर हाल में तैयार करने ही करने हैं। ठीक है, बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो तैयार किया है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इसमें मैं जो सामग्री है वो आपके सामने लेकर आई हूँ। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में मैं पूरी तरह से चाहूंगी कि आप जरूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी अध्यापक TGT PGT व्याख्याता पद हेतु साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें? पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि ये मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है अपने वेबसाइट पे successgurumantra.com पे। आप चाहें तो वहां जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि अभी मेरी साइट बहुत व्यवस्थित नहीं है, लेकिन आपको ये ब्लॉग और एक आध और ब्लॉग पढ़ने को मिल जाएंगे। परीक्षार्थी विषय के संबंध अगर बात की जाए तो परीक्षार्थी के विषय के संबंधी ज्ञान का आकलन तो लिखित परीक्षा के द्वारा कर लिया जाता है, है ना? लिखित परीक्षा के द्वारा हो जाता है। साक्षात्कार द्वारा परीक्षार्थी के व्यक्तित्व तथा विषय के प्रस्तुतीकरण की क्षमता का आकलन किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि परीक्षार्थी साक्षात्कार के नाम से घबराते हैं। पहली बार जब साक्षात्कार करने वाले का घबराना भी स्वाभाविक है, परंतु यदि हम स्वयं को पहले से ही तैयार कर लें तो हम साक्षात्कार सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम पहले जान लेते हैं कि साक्षात्कार के कितने पक्ष होते हैं, है ना? मेरे हिसाब से ये आर्टिकल कहीं से भी कॉपी किया हुआ नहीं है, ये टोटली मैंने अपने विवेक से लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको साक्षात्कार की तैयारी करनी है तो सबसे पहले हम इनको तीन पक्ष में बांट लेते हैं, ठीक है? साक्षात्कार की तैयारी के विविध पक्ष। पहला तो होता है ज्ञान पक्ष, है ना? कि मतलब ज्ञान पक्ष के लिए हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, क्या क्या तैयारी करनी है। दूसरा होता है विषय अभिव्यक्ति या प्रस्तुतिकरण। इसमें हमें ये जानना है कि किस तरह से हम अपने प्रस्तुतिकरण को और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। और तीसरा जो पक्ष होता है वो होता है वेशभूषा आदि औपचारिक पक्ष। ऐसे कौन से औपचारिक पक्ष हैं जिनका हमको अपने साक्षात्कार के दौरान बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो यदि अगर हम बात करें ज्ञान पक्ष की सबसे पहले, तो साक्षात्कार की तैयारी के अंतर्गत ये सबसे तनाव उत्पन्न करने वाला पक्ष है, क्योंकि हिंदी महासागर को पूरी तरह से कोई भी तैयार नहीं कर सकता है। फिर भी यदि आप एक शिक्षक के पद हेतु साक्षात्कार दे रहे हैं तो आपसे साक्षात्कारकर्ता कम से कम निम्न बिंदुओं के ज्ञान की अपेक्षा तो रखता ही रखता है। आपको इन बिंदुओं का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। आप इनको नोट कर लें या वेबसाइट पे जाके आप इनको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो आपको ये पता होने ही चाहिए। PhD या MPhil या जो भी आपका शोध विषय है उस पे आपका पूर्ण अधिकार होना चाहिए, पूरी तरह से आपको वो पढ़ा होना चाहिए। उससे कहीं से भी यदि कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको पूरी तरह से आना चाहिए, है ना? विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसमें भी किस तरह के सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे पहले और ज़्यादातर, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक कम से कम किसी एक लेखक की हो, ऐसी हो जैसे शुक्ल जी या नगेंद्र जी की, जिसका गहन अध्ययन आपने कर रखा हो। यदि आप वास्तव में अच्छा साक्षात्कार देना चाहते हैं तो ठीक है, शुक्ल जी की पुस्तक की मैं अपने वीडियोस के माध्यम से तैयारी करा रही हूँ पूरी तरह से। जितना भी आपके साक्षात्कार में उसे पूछा जाना है, जिस तरह से पूछा जा सकता है, वो तैयारी आप इसी तरह से कर सकते हैं, है ना? इसलिए वो वीडियोस जरूर देखते रहिए, पेपर में और साक्षात्कार में, दोनों में आपके काम आने वाले हैं। और उसके विभिन्न कालखंडों का भली भांति ज्ञान, कालखंड आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए।
कालखंड तो आपको यदि एक आपने मान लीजिए किसी एक लेखक की पुस्तक तैयार की है तो कालखंड आपको अन्य के हिसाब से भी तैयार हो तो बहुत अच्छा है। और एक लेखक की यदि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से तैयार है तो समझ लीजिए कि जो भी प्रश्न होंगे आप उनको उसके अंदर समेट लाएंगे। उसके बाद एक जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको समकालीन पत्र पत्रिकाओं के नाम, संपादक और प्रकाशन स्थान आदि की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद किसी प्रिय कवि या लेखक की जानकारी होनी चाहिए उनके पदों और रचनाओं सहित। उसके अलावा किसी एक विधा विशेष, जैसे आप एकांकी ले लीजिए, नाटक ले लीजिए, उपन्यास ले लीजिए या कहानी, उस पर एक विधा पे, कम से कम एक विधा पे आपकी अच्छी पकड़ हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें व्याख्याता हेतु, अगर बात करें अगर हम व्याख्याता पद के लिए दिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो एमए और बीए, ठीक है। और अगर इंटर कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो हाई स्कूल इंटर के पाठ्यक्रमों में जो निर्धारित कवि हैं, साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, उनके विषय में हमें सामान्य जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो विभिन्नवाद हैं, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, इनके विषय में, और विमर्श जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला विषय है, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, है ना, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। सामान्य व्याकरण का पता होना चाहिए, आपको भाषा विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, और रस सूत्र का लिखित अभ्यास करके जाइएगा। मैं इसको दोबारा कह रही हूँ, रस सूत्र का लिखित अभ्यास करें, हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसके विभिन्न व्याख्याकारों के हिसाब से अगर इसकी व्याख्या आपको पता है तो अति उत्तम। इतना जो है, ये जो कुछ मैंने अभी आपको बताया, ये सब कुछ आपको, अगर आपको साक्षात्कार देना है तो ये तो पहले आपको तैयार कर ही लेना है, उसके बाद आप जितना पढ़ें बहुत अच्छा। उसके बाद अगर हम आते हैं प्रस्तुतीकरण पे, ठीक है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप सबको पता होती हैं, फिर भी आप इन्हें एक जगह पे लिख लीजिएगा, क्योंकि कमी कोई नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को नर्वस नहीं होना चाहिए, ना घबराना चाहिए। संतुलित आत्मविश्वास आपकी सफलता में सर्वाधिक सहायक है। कोई भी उत्तर ना आने पर विनम्रता पूर्वक निवेदन करें कि मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है, ठीक है। घबराना और नर्वस होना, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आपके ज्ञान का नहीं होता है आकलन, यहाँ पे आकलन होता है आपके व्यक्तित्व का। तो यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल बेहिचक कहें, क्षमा कीजिए, मुझे इस विषय पे ज्ञान नहीं है, ठीक है। उच्चारण की शुद्धता तथा श्याम पट पर शब्दों को स्वच्छ शुद्धता पूर्वक लिखने का अभ्यास आपको होना चाहिए। अक्सर साक्षात्कारकर्ता कह देते हैं इस चीज को, और दूसरी चीज यदि आप हाईस्कूल इंटर के लिए, मतलब आप डीजीटी पीजीटी ग्रेड के लिए दे रहे हैं तो इस बात का विशेष ही ध्यान रखिएगा। श्याम पट पर लिखने के पश्चात उसे मिटा कर आना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए कि यदि आपने श्याम पट पर कुछ लिखा है तो उसको मिटा कर आना चाहिए, ठीक है। कुछ भी पूछ ले, कुछ लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि संतुलित आत्मविश्वास, है ना, ना आत्मविश्वास की अधिकता भी कई बार नुकसान करती है। कुछ भी पूछ लें, जैसे अति आत्मविश्वास, कुछ भी पूछ लें जैसे वाक्य अति आत्मविश्वास के परिचायक हैं, इनसे परहेज करना चाहिए। साक्षात्कर्ता के ये पूछे जाने पर कि आप अपने छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे, ये एक थोड़ा सा कठिन विषय होता है यदि आपको पहले से आपने नहीं सोच रखा है, और अगर आपसे तुरंत पूछ दिया जाए तब आपको इसमें समस्या हो सकती है। तो आपका क्या उत्तर हो सकता है? आपका उत्तर हो सकता है कि श्रीमान जी, मैं पूरी तैयारी व अध्ययन के साथ ही कक्षा में जाऊंगा या जाऊंगी। उत्तर देते समय शब्दों की गति संतुलित हो। वहां पर जब आपकी साक्षात्कारकर्ता के सामने अपने प्रश्नों के उत्तर रखें तो ना बहुत अधिक गति हो, ना बहुत कम गति हो, ना स्वर बहुत ऊंचा हो, ना स्वर बहुत नीचा हो, यही सारा संतुलन आपका वहाँ पर देखा जाता है। तीन जो पक्ष होते हैं, ज्ञान पक्ष, आपका प्रस्तुतिकरण और औपचारिक पक्ष, तीनों पे जब आप पूरा कमांड रखेंगे, पूरा संतुलन रखेंगे, तब आप साक्षात्कार में आगे बढ़ पाएंगे।
चलिए अगर बात करते हैं औपचारिक वेशभूषा आदि औपचारिक पक्ष की, फिर हम बताएंगे कि साक्षात्कार में किस तरह के प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं। बहुत रंग बिरंगे या प्रदर्शन प्रियता वाले परिधान नहीं पहनने चाहिए, है ना। शांत, जो आपके व्यक्तित्व को सूट करते हों, आपके ऊपर अच्छे लगते हों, शालीन हों, ऐसे परिधान पहनने चाहिए। हाँ, वेशभूषा गंदी या बेतरतीब या सिकुड़न वाली या इस तरह की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अधिक मेकअप से बचना चाहिए, कृत्रिमता बिल्कुल भी ना हो तो बहुत अच्छा है। जैसे टोपी लगा के चले गए, बहुत रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली, या बड़े बड़े कानों में पहन लिए, या बहुत रंग बिरंगी ड्रेस पहन ली, साक्षात्कार के टाइम इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। मुस्कान व आत्मविश्वास ही आपका श्रृंगार हो। अनावश्यक अंग संचालन तथा नजरें चुराने की प्रवृत्ति से बचें। यदि आप वहां जाकर साक्षात्कार के सामने बैठकर बेमतलब में पैर हिला रहे हैं, बात करने में बहुत तेजी तेजी से हाथ हिला रहे हैं, इस तरह की गतिविधियों से आपको बचना चाहिए। और उत्तर देते समय आत्मविश्वास दिखना चाहिए, है ना। आप ज़्यादातर आई कॉन्टेक्ट की ही कोशिश करिए, है ना। नजरें चुराने की प्रवृत्ति से एकदम बचिए। विनम्रता तथा आत्मविश्वास के अतिरेक से बचें। कई बार हमारी विनम्रता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कहीं ना कहीं वो दूसरे को एकदम नहीं कृत्रिम सी लगने लगती है। तो ऐसी कृत्रिम विनम्रता से या आत्मविश्वास से भी हमको बचना चाहिए, ठीक है। इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से एकत्र करके जानकारी अभी आपको कहीं मिली होगी। चलिए बात कर लेते हैं साक्षात्कार में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों की। जो सबसे ज्यादा सामान्यतः आप जाएं तो आपसे सबसे ज्यादा सामान्यतः जिस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के तैयार कर लेने हैं, ठीक है। जैसे आप सबसे पहले पूछेंगे तो नॉर्मली यही पूछा जाता है, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। उसके बाद में यदि आप अपना परिचय देते हैं तो आपके नाम का अर्थ या संबंधित स्थान विशेष के बारे में बताइए। उसके बाद आपका स्नातकोत्तर में विशिष्ट विषय क्या था। कई बार पेपर भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से पेपर थे या कितने पेपर थे, ठीक है। आपके शोध का विषय क्या है, इसे चुनने का कारण क्या था, है ना। और दो तरह के अगर कहा जाए साक्षात्कारकर्ता होते हैं, एक तो अपने मन से प्रश्न पूछते हैं और एक होते हैं जो आपसे पूछते हैं, है ना। तो वो किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, आप किस विषय की तैयारी करके आए हैं, या आपके प्रिय लेखक या कवि कौन है, वो आपसे पूछते हैं। और जब कोई आपसे पूछता है तो आपको जो साक्षात्कार है वो अपने पक्ष में ले जाने का पर्याप्त मौका मिल जाता है। तो ऐसे में आप जिस चीज़ पे बहुत अच्छे से तैयारी करके गए हो, आप उसको तसल्ली से बता सकते हैं कि श्रीमान जी, मैंने इस पर थोड़ा कुछ अध्ययन किया है या इस विषय पर तैयारी की है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं 6 बजे लाइव क्लास में, जहाँ पे हम आपसे प्रश्नोत्तर पूछेंगे अपने रामचंद्र शुक्ल जी के प्रकरण 1 और प्रकरण 2 के बारे में। आगे जब भी मैं लाइव क्लास लूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उसमें मैं आपको कोशिश करूँगी कि सब्जेक्ट भी बता दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा। इसका लिंक, मतलब जहाँ अपने ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप चाहें तो इसको वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। आने वाले समय में आपको मेरे ब्लॉग्स पे पढ़ने को मिलेंगे, अभी 1-2 ब्लॉग्स लिखे हैं, आप चाहें तो जाकर उनको देख सकते हैं successgurumantra.com पर, ठीक है। चलिए, आपका साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।